से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए एक कैंप लगाया जाएगा। समस्याओं के समाधान के लिए 3 दिन का कैंप लगेगा। 16, 17 और 18 दिसंबर को कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिले में 300 जगहों पर लगाए जाएंगे विशेष शिविर। अटल सेवा के सामुदायिक केंद्र पर जो शिविर लगाए जाएंगे, राज्य के विद्यालयों और ग्राम सचिवालयों में भी ये कैंप लगेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिवार पहचान पत्र जो कि हरियाणा सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है, हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो कई महत्वपूर्ण नीतियां हैं, कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनमें से एक परिवार पहचान पत्र है। और इसमें कुछ समस्याएं कुछ लोगों को हैं, तो वो अपना जो सुधार है अपनी समस्या को लेकर के इन कैंपों में जाकर के उसका समाधान करवा सकता है। जिले में 300 जगहों पर कैंप लगेंगे, 3 दिन तक ये कैंप लगेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अटल सेवा केंद्र सामुदायिक केंद्र पर शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा राज्य के विद्यालयों और ग्राम सचिवालयों में भी ये कैंप लगेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिवार पहचान पत्र से संबंधित जो समस्याएं अगर किसी को हैं, और अगर आप गुरुग्राम के रहने वाले हैं, तो ये कैंप 3 दिन तक लगने वाला है, 16, 17 और 18 दिसंबर को। इसमें जाकर के आप अपना परिवार पहचान पत्र सही करवा सकते हैं। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले में, परिवार पहचान पत्र से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए 3 दिन तक कैंप लगाए जाएंगे? जी बिल्कुल, ऐसे मैं आपको बताना चाहूंगा। गुरुग्राम में करीबन 300 से अधिक अलग अलग स्थानों पर परिवार पहचान पत्र कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे, क्योंकि अभी समस्याएं आ रही है, कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते अब जिला प्रशासन ने इस पहल की शुरुआत करने के लिए 16, 17 व 18 तारीख को गुरुग्राम के अलग अलग, हम बात कर रहे हैं जिले वर्ग के अलग अलग सेंटरों पर ये कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि उनको परिवार पहचान पत्र की जो जानकारी है वो भी दी जाएगी, और साथ ही साथ जो उनको इसको बनवाने में कठिनाई आ रही है उनको भी कहीं ना कहीं अब दूर किया जाएगा। और इस शिविर में कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, अटल सेवा केंद्र, सामुदायिक केंद्र और राज्य के जो विद्यालय है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल है, उनके अंदर ये जो कैंप है उनका आयोजन किया जाएगा। आज 3 दिन जिस तरीके से कैंप लगेंगे, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो उनको इससे निजात मिलेगी। तो वहीं पर ऐसे केंद्र अलग अलग गाँव की बात करूंगा, तो शहर में जो लोग रहते हैं उनको भी काफी लाभ मिलने वाला है। जी जी संजय, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।